आंख के हो के हो ना हो मारे टका टक देख वाला जैसे इनारा का काई वैसे पंडित कमाई जैसे चना दर दर आए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आप लोग कैसे हैं? आई होप कि सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मैं हूँ अंशिका और अभी दोपहर का टाइम है तो खाना वाना खा के फ्री हुए थे तो मैं सोची चलो थोड़ा बहुत ब्लॉगिंग कर ले। और इनके घर के पीछे का व्यू बहुत ही सुंदर है, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। बिल्कुल जैसे गाँव में होता है ना उसी टाइप का है, खुला खुला। तो शाम को बहुत ही अच्छी हवा लगती है। और आज है मतलब शादी के एक दिन पहले का, कल ही शादी है तो आज जो भी रस्म होता है, आज जो होगा, जैसे हम लोग के हैं तो इसको क्या बोलते हैं, जो चावल वगैरह बना के लड़के को खिलाया जाता है, तो बहुत लोग के यहाँ शादी के दिन ही होता है, बट इनके यहाँ एक दिन पहले ही हो रहा है जैसे मुहूर्त निकला है। तो वो सब भी मैं आप लोग को दिखाऊंगी, कोशिश करूंगी मैं आप लोग को दिखाऊँ जब वो खाएंगे तो। और बाकी देखो वहाँ पर बैठी हैं, देखो दिख थोड़ा बहुत दिख रही हैं, वो अपनी वीडियो वगैरह एडिट कर रही हैं। और हाँ, मैं तिलक की वीडियो डाली, आप लोग कमेंट में बताना कैसा लगा, बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है। और एक वीडियो मैं और डालूंगी जो कि प्रॉपर डांस का वीडियो रहेगा, तो उसको मैं एडिट करके डाल दूंगी। और आज है मेहंदी, तो ये मैं मेहंदी कलर का सूट पहनी हूँ और वो भी मेहंदी कलर की साड़ी पहनी है, सारे लोग ही पहने हैं। और यहाँ पे व्यू बहुत अच्छा था तो मैं सोची चलो यहीं पे थोड़ा सा स्टार्ट कर लेती हूँ ब्लॉगिंग वगैरह। और अब मैं सोच रही मैं कंटिन्यू ब्लॉग करूँगी, तो प्लीज़ यार आप लोग वीडियो देखा करो और देखते हैं तो थोड़ी सी टाइम देके देखो, ऐसा नहीं कि बस आते हैं कमेंट करके चले जाते हो। तो इसलिए ये देखो पीछे का मैं दिखाती हूँ अभी आप लोग को, देखो यहाँ पूरा खाली खाली जगह है, देखो कितना प्यारा जगह लग रहा है, इधर पूरा ग्रीन ग्रीन, बहुत ही सुंदर लगता है गांव में, मतलब जैसे गांव वाली फीलिंग आ रही है यहाँ पे पूरी। तो चलिए मैं अभी थोड़ी देर के बाद आप लोग को दिखाती हूँ कि इनके यहाँ कैसे कहरावत जो होता है ना, कहरावत खिलाया जाता है लड़के को, कैसे कैसे खिलाया जाता है। जो भी रस्म होगी मैं कोशिश करूँगी कि दिखा पाऊँ, जितना मैं दिखा पाऊँगी ज़रूर दिखाऊँगी। और बाकी उनके चैनल पर आएगा तो आप लोग देख लेना। तो चलिए थोड़ी देर के बाद मिलते हैं फिर हम आप लोगों से। यहाँ बैठी हैं और ग्रीन ग्रीन साड़ी में काफी सुंदर लग रही है। ये तो बड़ी बहन है और ये है छोटी बहन, मैं परिचय करा तो इनको तो YouTube पे काफी लोग जानते हैं, काफी फेमस काफी दिन से हम लोग फेमस हो चुके हैं तो फेमस हो गए, जैसे जैसे सितारा यासीन है ना, उसके बाद हम लोग का ही नंबर है जल्दी। तो और ये देखिए अभी फेमस होना चाहती है धीरे धीरे तो देखिए और बताना कि आप कैसी लग रही हैं ये दोनों बहनें कमेंट में। और लोग पहले इनको ही बताए कि ये कैसी लग रही है। अरे मैं तो मतलब जैसी हूँ वैसी लगूंगी, सुंदर है वो कब पूछे तो ये अपन वीडियो एडिट करते हैं हम सोचे थे उर्दिक वीडियो एडिट कर ले, तिलक के बाद उर्दिक डाला, बहने तिलकिक डाल तिलकिक ना ही डालने बटे, तिलक का वीडियो ना डालने बने इतनी सुस्तात है ना, हम इनके घर फिर ही आए कोनो काम धाम करत नहीं, दिन भर बैठ के वीडियो बना। तिलक वाली वीडियो अपलोड है यार कसम से, जानती हैं बस क्या है उसमें कि क्या बोलते हैं। और ये देखिए चाची चाची बैठी हुई हैं, गांव की हैं। ये चाची कहा लाइक करा, ऐसे करा कहते कि लाइक करा इनके वीडियो के, अरे ऐसे कर दे, अच्छा ऐसे करा, ऐसे करा, हाँ ऐसे करा, लाइक करा, कहते लाइक करा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, चाची ऐसे कर वीडियो को बांटा, कहा कहा वीडियो बांट गला, ऐसे वीडियो बांट गला, कहता घंटा बजा दिया, घंटा बजा, हे भगवान कट मत करिएगा, नहीं यार एकदम रियल डालो, रियल डाल दीजिएगा, भोजपुरी भोजपुरी सब डालो, हाँ कहा तन तू बोल दो बेटा, अरे वाह, हाँ कहो सब्सक्राइब करो और शेयर करो, तन तू बोल दो हो प्रमोट कर देते हैं, दो जने के कह के हमारे सब सुन ले से लोगन लाइक कर दिया, शेयर कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, तू बोला डंडा लेके मार, तू बोला हो तन तू प्रमोट कर दा, सब्सक्राइब कर, यापन प्रमोशन, यापन प्रमोशन कर, हे अम्मा सब्सक्राइब करी,
नहीं नहीं देखिए पहले हमको भी कर दीजिएगा और मान लीजिए इनको तो करोगे ही करोगे, इतनी सुंदर है कि देखो जो बचा कुछ रहेगा इनसे दो चार बासी तासी हमको कर देना। हे गाइस तो इनको जरूर सब्सक्राइब करिएगा अंशिका सिंह ब्लॉगर को। अगर मैं भी थोड़ी बहुत इतनी अच्छी इनके अभी इंडियन ब्लॉगर आ रही है, पहले इंदौरी था तो मैंने इंदौरी हटा करके इंडियन कर दिया है, तो इंडियन ब्लॉगर आरवी को तो बिल्कुल सब्सक्राइब करके जाइएगा। बिल्कुल छोड़ना मत, छोड़ना ही मत, नहीं करेंगे तो मैं लेकर ये डंडा मारेंगे। अरे देख रहे हैं मोटा मोटा पेड़ है, यही उखाड़ के मार के बहुत सारा पेड़ है देख सकते हैं। पतरी उतरेगी ना, हाँ अभी कोतर का पतरी और लावा आएगा तो वो वाला वीडियो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। अबे आए बजवा आ जाए, बाजा बंद करो साले निकम्मे है जी, बाजा बंद करो। इनका सही में वॉइस है, इनका मत करो, इन्हें खिला दो। बाजा बंद करो साले निकम्मे है जी, केहू के एक आंख केहू के उहो ना उहो मारे टका टक। देखो इनके अंदर एक टैलेंट छिपा था जो आज सामने आया। भोजपुरी गाना सिखाती और क्यों सिखाती, तो तन भोजपुरी गादा कौन भोजपुरी तने बता, गाड़ी गोरिया तू गोरिया हो कौन, वो क्या गाना है उस दिन बज रहा था गोरी तो हर चुनरी बा लाल लाल, तनी गादा वो वाला तो सब सुन ले सर्च कर। अच्छा बिया है के गादा तो तनी गारी गादा, अरे चाची तू गवा तेरे का ख्यावा ले। अच्छा हमरा के जान तू गाव सुभमवा गावला जैसे इनरा का काई वैसे पंडित कमा। यहाँ पे देख सकते हैं और हंसी मजाक करने के बाद हम लोग बहुत सारा फन किया आप लोग तो देखे। उसके बाद इनके यहाँ जाते हैं लावा लेने के लिए, जो कि मतलब लावा वही होता है शायद कि जो दुल्हन के यहाँ जाता है वहाँ पे जो लावा हो जाता है शायद वही, मुझे पूरा पता नहीं है लेकिन वही है शायद। तो यहाँ पे मतलब इनके यहाँ सबसे अच्छा मुझे लग रहा था कि हर रस्म में जो है ढोल नगाड़े वाले आ रहे थे तो काफ़ी थोड़ी सी रौनक लग जा रही थी, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था। यहाँ पे देखिए ये परछन हो रहा है ऐसे, मतलब परछ रही हैं इनकी मम्मी हैं। और हर रस्म में सबसे बड़ी बात है इनके गांव के अगल बगल के सारे लोग भी इकट्ठे हो जा रहे थे, तो बहुत ही अच्छा था। और आके देखना आप हर मतलब हर रस्म में डांस तो खूब ही हुआ है कि बुआ लोग थी और मतलब मम्मी सभी लोग मिलजुल के मतलब डांस करते थे, तो बहुत ही अच्छा लगता था। ये सारी मोमेंट ऐसी है कि ये मतलब छोटी छोटी मोमेंट हमेशा याद रहती हैं कि मतलब हम गए थे तो क्या क्या हुआ था वहाँ पे, तो इसलिए मैं आप लोग के को भी दिखा देती हूँ। यहाँ पे देखिए सारी औरतें आ गई हैं और अब जाएंगे सब लोग लावा लेने के लिए और ढोल नगाड़े के साथ, तो बहुत ही सुंदर। सबसे बड़ी बात है कि रोड पर ही घर था इनका, तो बहुत ही सुंदर लग रहा था वहाँ पर, मतलब बाहर निकलो तो गाड़ी बस हमेशा जाती रहती थी। और यहाँ पे देखिए ये हैं मतलब सारी औरतें, अब सब लोग जा रहे हैं वहाँ पे लावा लेने के लिए। और इसी दिन मेहंदी भी था, तो मेहंदी का ब्लॉग मैं आप लोग को नेक्स्ट ब्लॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि बहुत ही लेंथी ब्लॉग हो जाता है तो फिर आप लोगों को भी देखने में प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए मैं जहाँ तक कोशिश करती हूँ कि मैं छोटा से छोटा ब्लॉग ही शेयर करूँ। और हम लोग का फ़न जो हम लोग कर रहे थे मतलब कैसा लगा आप लोग को आप लोग बताना ज़रूर, बहुत ही मतलब अच्छा लगा मुझे तो ये ब्लॉग, मतलब सबसे अच्छा मुझे यही ब्लॉग लगा था कि हम लोग इतना हंसी मजाक कर रहे थे। और ये देखिए सारे लोग जा रहे हैं और मैं पीछे से थोड़ी बहुत वीडियो बना ली थी। और यहाँ पे देखिए अभी सभी लोग डांस करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है मैं ढोल का जो है काटूंगी नहीं, आप लोग देख लेना। और बस मैं थोड़ी थोड़ी आवाज़ें दे रही हूँ ताकि आप लोग को बोरिंग ना लगे, आप लोग को समझ में आ जाए। और ये बुआ लोग हैं, इनके बुआ के छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, सभी लोग मतलब डांस कर रहे हैं और लावा जाते हैं तो भी डांस वांस करते हैं, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। और लावा का वीडियो थोड़ा बहुत और होगा तो मैं नेक्स्ट बार डाल दूँगी, क्योंकि इसमें प्रॉपरली मतलब बहुत दिख रही है उनकी जो बुआ थी ना, बहुत ही अच्छा डांस करती थी, बहुत अच्छा था। ये वीडियो ग्रीन साड़ी में है और देखिए उनके दोनों बुआ एक डांस कर रही है और एक बुआ दिख रही है और ये गाँव की मतलब औरतें लोग हैं, तो इनके यहाँ का रस्म बहुत ही अच्छा लगा, थोड़ा सा अलग था लेकिन बहुत ही अच्छा लगा। तो ये देखिए और यहाँ पर डांस वांस कर गए हैं, तो आप लोग को शादी की वीडियो कैसी लग रही है आप लोग से बताना जरूर। और कोशिश में यही हूँ कि छोटी छोटी वीडियो बस।
पूरा धूमधड़ाका हुआ था यहाँ पे। देखिए ये दादी, जो कि दादी को तो आप लोग देखे हैं वीडियो में, अगले वीडियो में, और ये सारी मतलब गांव की इनकी लेडीजें मतलब औरतें हैं, तो बहुत ही भीड़ लगती थी, तो काफ़ी अच्छा लगता था कि हर मतलब रस्म के लिए तैयार होना है, जाना है। तो चलिए बस यहीं तक आज का मेरा वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो आप लोग को जल्दी मिलेगा देखने के लिए। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस, टेक केयर और अपना ध्यान रखिए आप लोग, और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। बाय बाय गाइस, टेक केयर।